टी20 के कप्तानी की रेस से बाहर हुए हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर के चहेते को मिलेगी जिम्मेदारी, यही संभालेगा टी20 की कमान। हार्दिक का गेम ओवर, वो तीन कारण समझिए क्यों पांड्या की जगह इस खिलाड़ी के राज तिलक की चल रही तैयारी। टी20 का बादशाह है लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर, इसके मैदान पर उतरते ही कांप जाते हैं अच्छे से अच्छे गेंदबाज। BCCI टी20 का अपना अगला कप्तान नियुक्त करने वाली है, यही खिलाड़ी अब टी20 फॉर्मेट का कप्तान बनेगा। हार्दिक पांड्या टी20 की कप्तानी से रेस से बाहर हो गए हैं। अब अगर हार्दिक पांड्या का पत्ता साफ हो चुका है तो आखिर कौन है वह खिलाड़ी जिसे टी20 की कमान सौंपने की तैयारी चल रही है? यह खिलाड़ी हेड कोच गौतम गंभीर का बेहद चहेता है, टी20 फॉर्मेट का बादशाह है, इसके मैदान पर उतरते ही अच्छे अच्छे गेंदबाज कांपने लगते हैं। आखिर क्या वजह रही कि हार्दिक पांड्या को साइडलाइन करके इस धाकड़ खिलाड़ी को टी20 की कप्तानी देने की तैयारी चल रही है? सभी को पता है कि गौतम गंभीर ने हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने से पहले BCCI के सामने कुछ शर्त रखी थी कि उनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से टीम को तैयार करेंगे, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या को हटाकर अपने चहेते को टी20 की कप्तानी सौंपने की अर्जी डाल चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करने की वजह से लोगों को लग रहा था कि हार्दिक पांड्या को ही टी20 की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। भारतीय टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि यह टी20 की कप्तानी करेगा। आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के टी20 के कप्तान बनने की दौड़ में छुपा रुस्तम बनकर उभरे हैं, जिन्हें अब तक उपकप्तान से कप्तान बनाया जाना स्वाभाविक पसंद माना जा रहा था। हार्दिक ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ सबसे छोटे प्रारूप के मुकाबलों के लिए खुद को उपलब्ध रखा था, लेकिन पता चला है कि सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसे में चलिए वो तीन कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव भारत के अगले टी20 के कप्तान घोषित हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो IPL 2024 की शुरुआत तक एक्शन से बाहर थे। IPL 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के साथ ही वो मैदान पर लौटे, लेकिन भारत के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट तक ही सीमित रह गए। देखा जाए तो हार्दिक ने 2022 की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम के 79 में से सिर्फ 46 टी20 मुकाबले ही भाग लिया है। इस बीच सूर्यकुमार यादव घरेलू सर्किट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद घरेलू टी20 सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबर करवाई। सूर्यकुमार इस फॉर्मेट की प्लेइंग 11 में सबसे पहले चुने जाने वाले नामों में से एक है। 27 जुलाई से शुरू हो रहा भारत का श्रीलंका दौरा नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। सूर्यकुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्यकुमार यादव IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अगरकर और यादव का मुंबई कनेक्शन भी जग जाहिर है। गौतम गंभीर का यह प्लान कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़े मैच में सूर्यकुमार यादव खुद को साबित कर पाते हैं कि नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी।